ब्रेन स्ट्रोक, अधरंग जैसे रोगों संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए जाने माने इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक अग्रवाल जालंधर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित 82 वर्षीय महिला का फोर्टिस अस्पताल मोहाली में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के माध्यम से सफल इलाज किया गया है। उन्होंने कहा कि दिमाग से जुड़े किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। दिमाग का दौरा या लकवा मारने पर घबराएं नहीं, क्योंकि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी से गंभीर मरीज भी स्वस्थ हो रहे हैं। यदि समय पर जांच करवा ली जाए तो एक लक्षण से बीमारी की असली स्थिति का पता चल जाता है। ऐसे में उक्त लक्षण दिमाग से जुड़ा हुआ हो तो थोड़ी सी बरती गई लापरवाही से व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के कारण एक जटिल दिमागी बीमारी की चपेट में आ सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक पड़ने पर यदि मरीज को तुरंत ऐसे अस्पताल पहुंचाया जाए जहां अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट व न्यूरोसर्जन हो, तो मरीज जल्द स्वस्थ व अधरंग के असर को कम या खत्म किया जा सकता है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से हूँ। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, जो कि दो तरह का होता है। एक होता है ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक, एक होता है नस के ब्लॉक हो जाने की वजह से क्लॉट वैसे स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी की, जिसमें हम स्टेंट के द्वारा या फिर एस्पिरेशन पाइप के द्वारा इस क्लॉट को निकाल सकते हैं, और ये पेशेंट की लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, बेड रिडन वाली स्टेज या फिर उनके डेंथ को प्रिवेंट कर सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई भी सिम्टम्स हों जिसमें सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अचानक से पेशेंट बेहोश हो गया, या एक साइड की पैरालिटिक अटैक आया, बोलने में दिक्कत हुई, मुंह टेढ़ा हो गया, अगर ये सिम्टम्स आपको आते हैं, आप जल्द से जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल जहाँ पे कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रोक केयर अवेलेबल है, जहाँ पे एटलीस्ट सीटी स्कैन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट है और न्यूरोसर्जन है, वहाँ पहुँचिए, ताकि हम अपनी लाइफ को, अपने रिलेटिव की लाइफ को बचा सकें।